बीच में है विधायक संदीप कुमार जी। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि 2019 का जो एक परिवेक्ष है वो कैसा रहेगा। संदीप जी आपका असेंबली में आपका हार्दिक स्वागत है। संदीप जी, सभी लोग जो चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और 2019 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें पूरे भारत का क्या परिपेक्ष रहेगा, पूरे भारत की एक कहते हैं कि फिल्म क्या रहेगी? देखिए, 2019 का चुनाव बेसिकली चुनाव नहीं है जी। इस देश के बहुजनों को सोचना पड़ेगा कि जो 2019 है वो आज़ादी की लड़ाई है। 1947 में हुई थी और 2019 में होने वाली है। जो 47 की लड़ाई थी उसमें कुछ अधिकार मिले थे आपको, घूमने फिरने की ये सारी चीज़ें, लेकिन जो इज्जत है, जो इस देश में हमारा सम्मान है, वो 2019 की लड़ाई आज़ादी की लड़ाई है जी। और उस लड़ाई में आपको सोचना पड़ेगा, एक तरफ काले अंग्रेज हैं, गोरे अंग्रेज गए थे, काले अंग्रेज आ गए थे, इनका सत्ता पे राज रहा आज तक, सेंट्रल गवर्नमेंट में यही लोग रहे जी। इन्होंने अपने तरीके से जो है ना कानून बनाए, चाहे न्यायपालिका हो, अपने देश में न्याय नहीं मिलता, जजमेंट आती हैं, जस्टिस नहीं होता, जजमेंट आती हैं, तो सारी चीज़ों पर अधिपत्य इन्हीं लोगों का है। 2019 मात्र एक ऐसा आपके पास साल है, लगा लो वो इतिहास बनने जा रहा है, और देश के बहुजनों को सोचना पड़ेगा कि 2019 में इस देश का नेतृत्व कौन करे। आप पूरे देश में उठा के देख लीजिए, सिर्फ एक ही चेहरा दिखता है आपको। बहुत सारे लोग हैं, एक्टिविस्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। 2 अप्रैल का भारत बंद देखा आपने, सारे लोगों ने मिलकर किया, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से मजबूती से कोई है तो सिर्फ माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो इस देश के संविधान को बचा सकती हैं, इन दलितों को सम्मान दिलवा सकती हैं, बहुजन समाज के लोगों को सम्मान दिलवा सकती हैं, और कोई आपके पास है नहीं। और ये विडंबना देख लो आपके, हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, भाजपा कांग्रेस के लोगों को खतरा है तो किसी से है, तो बहन कुमारी मायावती जी से है। और कांग्रेस ने तो डिक्लेयर ही कर दिया, कर्नाटक में जब हुआ सोनिया गांधी ने बहन जी का हाथ उठाया और वो लोग हार मान चुके हैं। अगर कांग्रेस को भी बचाना है ना तो भी मायावती जरूरी है। इस देश में अगर दलितों को, पिछड़ों को, बहुजन समाज के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को अगर बचना है, सम्मान पाना है, तो मायावती के अलावा विकल्प नहीं है। और जहाँ तक मुसलमानों की बात है, मुसलमान और दलित बहुजन समाज के लोग इस देश में दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, ये संरक्षक ही ढूंढ रहे हैं आज तक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। अगर मुसलमानों को दाढ़ी रखनी है ना चेहरे पे, तो संविधान बचाना पड़ेगा। अगर मुसलमानों को टोपी पहननी है चेहरे पे, तो संविधान बचाना पड़ेगा। अगर मुसलमानों को नमाज पढ़नी है तो संविधान बचाना पड़ेगा। और संविधान कौन बचा सकती है? बहन कुमारी मायावती। सारे लोग लग जाओ, हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ मत देखो। मैं सारे बहुजन समाज के लोगों कहता हूँ, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ दो, जितने भी हिंदू संगठन होते हैं सारे लग जाते हैं बीजेपी की सरकार बनाने में, और दलित संगठन दलाली करने में लग जाते हैं इन लोगों की। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बार दलाली बंद कर दो, 2019 के चुनाव में दलाली बंद कर दो, सारे बहन कुमारी मायावती जी का समर्थन करो। जितने भी छोटे मोटे संगठन हैं, आप देखना इस देश के हालात क्या होंगे, और 100 साल तक किसी भी गधे के बच्चे की औकात नहीं होगी संविधान की तरफ वो आँख उठा के देख ले, उनके औकात दिखा देगी बहन जी। और ये सब मानते हैं कि उनके समय में प्रशासन शासन कैसा चलता है। तो मैं यही कहूँगा कि एक विकल्प एक मात्र है, 85% लोग हमारे हैं। साहब काशीराम एक बात कहते थे कि बुलेट नहीं चलाना, झगड़ा नहीं करना, सिर्फ बटन दाब के आना है। बटन दाबने में तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम 70 साल से परेशान हो रहे हो, तुम्हें ये लगता है मायावती कुछ नहीं कर पाएगी? चलो नहीं कर पाएगी, एक बार मौका देकर देखो, आजमा करके देखो। आप लोग जब तक आजमाओगे नहीं किसी चीज़ को, जब तक पता कैसे चलेगा? अरे इन लोगों ने देखो ना, साधु संतों को, अगर मंदिरों में मठों में ताकत होती तो योगी क्या सीएम बनता यार? मठ छोड़ गया था, सीएम बनता। सत्ता जो है ना वो सबसे बड़ी ताकत है। राजाओं का कभी अपमान नहीं होता जी। राजाओं का कभी शोषण नहीं होता। तो इस देश के राजा, लोकतंत्र में जो शक्ति है वो आप लोग दिखाओ, और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाओ। आप देख लेना पूरे देश में एक लहर आएगी, और ये लोग जो है ना जहाँ थे वहीं चले जाएंगे, ये लोग सारे देश छोड़ के भाग जाएंगे, ये लोग भारत छोड़ो आंदोलन दोबारा शुरू हो जाएगा। और जो आज गद्दार लोग बन रहे हैं ना सत्ता पक्ष के, ये सारे जेल में जाते हुए दिखेंगे आप लोगों को, ये वायदा है मेरा आप लोगों से।